हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ मर्सिडीज एएमजी जीटी 63 एस ई परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर 11 अप्रैल के दिन जो है वो लॉन्च होने वाली है। एंड मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स कार के अंदर में किस तरह के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन एंड और भी जो है वो डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिर जो ये कार देखने को मिलती है फ्रेंड्स, ये मर्सिडीज़ के फ्लैगशिप प्लग इन हाइब्रिड वर्जन देखने को मिलती है, जो कि हमें जो एएमजी का जीटी फोर्डर मॉडल देखने को मिलता है उसी पे हमें बेस देखने को मिलेगी। एंड ये हमें मर्सिडीज़ की जो एएमजी सीरीज है उसकी हमें मोस्ट पावरफुल जो प्रोडक्शन कार है हमें देखने को मिलती है। बात की जाए इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स के अंदर हमें 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही में हमें इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं पावर आउटपुट के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर हमें 831 bhp का पावर एंड 1400 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में हमें जो बैटरी देखने को मिलती है जो कि हमें 6.1 किलोवाट के साथ, एंड इसके अंदर में प्योर ईवी मोड भी देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें 12 किलोमीटर की रेंज एंड ये हमें 130 किलोमीटर के टॉप स्पीड के साथ, जो कि हमें इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट में। एंड अगर मैं इसके हाइब्रिड वेरिएंट के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर में 316 किलोमीटर के जो टॉप स्पीड है वो देखने को मिलेगी। एंड जो कार है जो कि जस्ट 0 से 100 ओनली 2.9 सेकंड के एक्सेलरेशन रेट के साथ जो है वो देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड्स के अंदर हमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में हमें काफ़ी सारे और भी फीचर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रेंड ये हमें डिफरेंट एलॉय व्हील्स, न्यू एग्जॉस्ट सिस्टम, रीडिजाइन बम्पर एंड इसके अंदर में चार्जिंग पोर्ट जो कि हमें रियर बम्पर पे जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल उस कार के बारे में इतने ही फीचर्स एंड जो स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिलते हैं। फ्रंट ऑल व्हीकल्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं एक और न्यू वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।